हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी. वेलकम टू द सेशन ऑफ जनरल अवेयरनेस. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया. बिकॉज हर साल देखा जाता है, चाहे एसएससी एग्ज़ाम्स जो भी कंडक्ट करवाती हो, सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस हो या स्टेनो हो, हर साल एक क्वेश्चन डैम से चाहे रिवर से आता ही आता है. तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन सा डैम किस स्टेट में है और किस रिवर पर है. ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी डैम्स के बारे में. लाइक महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स इन द कंट्री. महाराष्ट्र में 1845 डैम्स हैं, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश जहाँ पे 905 डैम्स हैं, एंड गुजरात हैज़ 666 डैम्स. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि इडुक्की डैम है केरला में. सो इडुक्की डैम इज़ द फर्स्ट इंडियन आर्क डैम बिल्ट अक्रॉस द पेरियार रिवर इन द केरला, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आर्क डैम इन एशिया. ठीक है, ग्रैंड एनिकट ऑफ कल्लानाई लोकेटेड ऑन होली कावेरी रिवर इन तमिलनाडु इज़ द ओल्डेस्ट डैम इन द वर्ल्ड. तो ये नाम आप याद रखेंगे. ठीक है, नाउ अब हम स्टेट वाइज देखेंगे कि किस स्टेट में कौन सा डैम है एंड कौन से रिवर्स पे है. ठीक है, रिवर पर है. फर्स्ट है बगलिहार डैम और बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. ये है जम्मू एंड कश्मीर में ऑन द रिवर चेनाब. ठीक है, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डैम इज सलाल डैम. सलाल डैम ये भी चेनाब रिवर पर है. ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे पक्कल दुल डैम. ये जो डैम है इट इज़ एन अंडर कंस्ट्रक्शन डैम एंड इट इज़ नाउ बींग कंस्ट्रक्टेड ऑन द मरुसदार रिवर, एंड मरुसदार रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर. ठीक है, तो इसे भी हम याद रखेंगे. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डैम इज़ उरी डैम. इट इज़ ऑन द रिवर झेलम. झेलम नदी पर ये उरी डैम बना है. इसके बाद हम लद्दाख रीजन की बात करेंगे. तो लद्दाख रीजन में है दुमकर डैम. दुमकर डैम है, इट इज़ ऑन द इंदस रिवर इन द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेट इज़ हिमाचल प्रदेश. अब हम हिमाचल प्रदेश में कितने डैम हैं वो देखते हैं. हिमाचल प्रदेश में डैम है पंडोआ डैम. पंडोआ डैम इट इज़ ऑन द रिवर ब्यास. ब्यास नदी के किनारे ये डैम है. द नेक्स्ट वन इज़ कमेरा डैम. कमेरा डैम है, इट इज़ ऑन द रिवर रावी. रावी नदी के किनारे ये डैम है. तो ये सारे डैम्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन्हें याद रखना है. बरोट डैम इज़ ऑन द रिवर उल. ठीक है, द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ महाराणा प्रताप सागर डैम, जिसे हम पोंग डैम भी कहते हैं या हम इसे ब्यास डैम भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ ऑन द रिवर ब्यास. तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी पूछा जा सकता है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डैम इज़ भाखरा डैम. इट इज़ ऑन द रिवर सतलज. सतलज नदी पर ये डैम है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डैम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ कोल डैम. ये भी सतलज नदी के किनारे हैं. नेक्स्ट स्टेट इज़ पंजाब. पंजाब में एक इम्पॉर्टेंट डैम है जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में. दिस इज़ रंजीत सागर डैम एंड इट इज़ ऑन द रिवर रावी. अब हम उत्तराखंड स्टेट की बात करेंगे. उत्तराखंड में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम है विच इज़ टेहरी डैम. टेहरी डैम है भागीरथी रिवर के ऊपर एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम. बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये किस रिवर पर है, ये लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, क्या है. तो ये सारा हम टेहरी डैम के बारे में आपको पढ़ना है. ठीक है, द नेक्स्ट इज रामगंगा डैम. रामगंगा डैम, इसे हम कालागढ़ डैम भी कहते हैं और ये है रामगंगा रिवर पर, इसलिए इसका नाम है रामगंगा डैम. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डैम इज कोटेश्वर डैम. ये भी भागीरथी रिवर के ऊपर बना है. अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की. उत्तर प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट डैम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसे हम रिहंद डैम भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ ऑन द रिवर रिहंद रिवर. ठीक है, तो इसे भी हम याद रखेंगे. द नेक्स्ट वन इज़ गंगा बैराज. गंगा बैराज, जिसे हम लवकुश बैराज भी कहते हैं. इट इज़ बिल्ट अक्रॉस द गंगा रिवर इन कानपुर. ठीक है, तो इसे भी हम याद रखेंगे. द नेक्स्ट वन इज़ बिहार स्टेट. बिहार में एक इम्पॉर्टेंट डैम है जो सोन नदी पे बना है. दिस इज़ इंद्रपुरी बैराज. इंद्रपुरी बैराज, दिस इज़ ऑन द सोन रिवर इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. तो आज के सेशन में इतने ही स्टेट हम कवर करेंगे. नेक्स्ट स्टेट में हम और डैम्स कवर करेंगे और किस रिवर पे बना हुआ है वो भी हम कवर करेंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. सो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया पार्ट 2. टिल देन स्टे ट्यून टू ऑनलाइन तैयारी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.